कर्नल जी, आपने बताया था जैसे अभी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इस बजट में कुछ टैक्स को लेकर कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, क्रिप्टो करेंसी टैक्स के दायरे में आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय निवेशकों के लिए अच्छा रहेगा? क्या ऐसा करने से, सरकार द्वारा इसमें इंटरवेंशन करने से, हस्तक्षेप करने से, क्या इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जैसे बिटकॉइन हुई या फिर कोई दूसरी अन्य क्रिप्टो करेंसी हुई, क्या इनमें भारत में और ज्यादा निवेश बढ़ेगा? देखिए अखिलेश जी, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। क्रिप्टो करेंसी पूरे ग्लोबल लेवल में फैल चुकी है जी। इसको कोई माने या ना माने, तो उसको कोई ना मानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर इसमें निवेश हो रहा है और बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। वर्ल्ड के जितने भी टॉप लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो टेस्ला हो, एलन मस्क हो या कोई भी हो, वो उसके उसके लगातार उसके बयान हम लोग देखते हैं। अब पॉइंट ये है कि आप उसको, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, इसको ट्रैक करना नामुमकिन है। तो यदि ये टैक्स के दायरे में आ जाती है तो सरकार को कुछ नुकसान तो होगा नहीं, फायदा ही होगा जी। उससे दो फायदे होंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा और इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं, हिंदुस्तानी निवेशक है, उनके लिए भी एक अच्छी चीज रहेगी कि उसको सरकारी नजर के हिसाब से काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक आपके पास, सरकार के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं हो रहा है, किसने कितना निवेश किया, कितना फायदा हो गया, कितना नुकसान हो गया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है जी। यदि कुछ हो इसमें होता है तो इससे मुझे लगता है बेहतर होगा, लेकिन ये फायदा और नुकसान दोनों होगा, ध्यान रखिएगा जी। कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर 30-40% की उतार चढ़ाव रहता है। यदि इनकम टैक्स के 40% प्रॉफिट में सरकार मुनाफा लेना चाह रही है, इसको ध्यान से समझिएगा अखिलेश जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ। लेकिन जब यदि क्रिप्टो करेंसी से यदि 40% नुकसान भी होगा किसी को, तो वो जो नुकसान इनकम टैक्स के दायरे के अंदर, वो अपने कुल प्रॉफिट में से वो घटाएगा भी जी। तो बहुत सारे ऐसे चतुर निवेशक होंगे कि जहां नुकसान दिखा रहे हैं, फायदा दिखा रहे हैं, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकेंगे जी। तो देखिए, ये तो नफा और नुकसान तो चोली दामन का साथ है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होंगी, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन टीडीएस के जरिए आएगा तो एक निवेशकों के लिए एक अच्छा निवेश का भी साधन रहेगा, और दूसरी चीज सरकार को रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और ये थोड़ा सा ऑथेंटिक भी हो जाएगा। मुझे लगता है सरकार इसको टीडीएस के दायरे में या इसको टैक्स के दायरे में ले आए तो वो बेहतर रहेगा ये जी। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।